दोस्तों, ईट ईस्ट इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाएंगे काले चने की सब्जी जो चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है और ये गुणकारी तत्वों से भरपूर है। तो सबसे पहले हम काले चने को पानी में भिगोएंगे या तो पूरी रात या फिर एटलीस्ट 2 घंटे, और उसके बाद हम बनाएंगे प्याजों का मिश्रण। तो काले चने को भिगो दिया है और जब आप करी बनाने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले प्याज अदरक लहसुन को बारीक चॉप कर लें, और चॉप करने के बाद इन्हें ग्राइंडर में डालकर हमने पीस लेना है। तो बिल्कुल जरा से पानी के साथ इन्हें ग्राइंड कर दिया जाए। फिर आप प्रेशर कुकर में डालें थोड़ा सा तेल या घी और 1 चम्मच जीरा। जीरे को भूनने दें तकरीबन 1 मिनट तक, और फिर जब जीरा भून जाए तो इसके अंदर आप अनियन पेस्ट यानी कि आपके प्याजों का जो मसाला बनाया है, मिश्रण तैयार किया है, वो डाल दें। प्याजों को भूनने देंगे और भूनने के लिए, ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए, हम डालेंगे इसके अंदर नमक, स्वाद अनुसार होना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और हल्दी। इन चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें और फिर 3-4 मिनट तक प्याजों को पकने दें। अदरक लहसुन भी रॉ ना रह जाए। जब अच्छे से पक जाए आप देखें कि रंगत में बदलाव आएगा, ये थोड़ा डार्क हो गया है, ज़्यादा भूरा रंग हो गया है और सुगंध भी बदल गई है। तो इसके अंदर हमने डाल दी अब टमाटरों की प्योरी। सो 3-4 टमाटरों को आप पीस लें ग्राइंडर में थोड़े से पानी के साथ, और वो टमाटर प्योरी बीच में डाल दें। जैसे ही हम टमाटर प्योरी डालते हैं अपने प्याज के मिश्रण के साथ, तो कुकिंग जो है प्याजों की वो कम हो जाती है, इसलिए प्याजों को और टमाटर को अलग से भूना जाता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है आपकी सब्जी का, और पंजाबी कुसीन में हम कसूरी मेथी का खूब इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं काले चने। पानी को हमने अलग कर दिया है जिसमें काले चनों को भिगोया था। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर आप या गरम मसाला या चना मसाला पाउडर डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस फिर क्या है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। क्योंकि हमने चने मसाले का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको अलग अलग से डिफरेंट स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि धनिया हो गया या दालचीनी या तेज़पत्ता है, वो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चने मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और स्वाद चाहते हैं तो एक और तरकीब आपको बताती हूँ। एक और ट्रिक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है धनिया डालना। धनिया हम गार्निश के लिए भी यूज़ करते हैं, और थोड़े से धनिया के पत्ते अगर आप तरी में डाल दें इस तरह, तो तरी का जो स्वाद है वो अलग ही हो जाता है। अब हम इन्हें पकने देंगे चनों को, तो प्रेशर कुकर को बंद करें और मध्यम आंच पर 3-4 सीटियों के बजने तक इंतज़ार करें। और जब 3-4 सीटियां हो जाएं तो आप बंद कर दें कुकर। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तभी इसको खोलें, और ये देखिए आपके काले चने तैयार हैं। ये परांठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं। इनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, फाइबर रिच हैं, और भी कई विटामिन्स और मिनरल्स आपको काले चने खाने से मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राई करें। धन्यवाद।